अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इट इज़ चैप्टर नंबर 5। और जो मैटर है उसकी डेफिनेशन आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो थोड़ी सी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा हो उसको हम कहते हैं मैटर। और उसकी फिजिकल स्टेट्स मतलब कि मैटर की जो स्टेट्स हमें नज़र आती हैं वो कितनी हैं, उसकी जो मोस्ट डिस्कस्ड जो इसकी जो है स्टेट्स वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ज़्यादातर जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो सॉलिड सॉलिड में ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं ये सॉलिड के पार्टिकल्स शो कर रहे हैं आपको कि ये जो है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल ज्वाइन होते हैं। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि इनके दरम्यान में इतनी ज़्यादा फ्री स्पेसेस नहीं होती। ये रिजिड होते हैं मतलब ये हार्ड होते हैं, इसको ये इनकी शेप डेफिनेट होती है, इनका जो है आप फोर्सफुली फोर्स से जो है वो इस इनकी शेप चेंज कर सकते हैं। इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है मतलब फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होती है। ज़्यादातर जो है ये अमॉर्फस या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी डेंसिटी जो है वो गैसेस और सॉलिड्स दोनों सॉरी गैसेस और लिक्विड्स इन दोनों से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड जो है वो इसकी सेकेंड स्टेट है लिक्विड। और लिक्विड में जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ना ही इतनी ज़्यादा दूर होते हैं और ना ही इतने ज़्यादा करीब होते हैं। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड और गैस के दरमियान में होती हैं, ना ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही इतनी ज़्यादा वीक। इनकी जो है वो डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में कन्वर्ट करना चाहें ये उसी की शेप ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी है उसको आप ग्लास में डालें वो ग्लास की शेप ले लेगा, आप उसको जो है वो जग में डालें तो वो उसकी शेप ले लेगा। इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, तब 1 लीटर या आप अगर दूध लेते हैं तो वो 1 लीटर ही होगा, लेकिन इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। आप उसको जिस चीज़ में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेट है वो है गैस। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनके दरमियान में बहुत सारी फ्री स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा वीक होती हैं, तो ना ही इनकी कोई शेप होती है ना ही जो है वो इनका कोई वॉल्यूम होता है। ये जितने लिए भी इनको स्पेस मिल जाती है ये पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जितनी जगह मिलती है उतनी जगह ये कवर कर लेते हैं। और एक एक जो ख़ास चीज़ है गैसेस की वो है गैसेस का प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड्स में जो है वो प्रेशर नहीं होता, लेकिन जो गैसेस हैं गैसेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि इनमें जो है वो प्रेशर प्रेजेंट होता है। आगे अब हम इस चैप्टर में ये जो तीनों स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसकी हम आगे फर्दर पूरी डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, गैस कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, लिक्विड्स कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, सॉलिड्स कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे हम वो प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की। और ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो है ये गैसेस के साथ ही लिंक्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टीज हैं, गैस की। गैसेस की जो ये टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं, जो गैसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि गैसेस जो है वो आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली उनके दरमियान में स्पेसेस बहुत कम होती हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत वीक होती हैं, स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो डिफरेंट जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है कि आप परफ्यूम है, स्प्रे है, आप रूम के कॉर्नर में करते हैं और उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। वो किस वजह से, क्योंकि रूम में जो है वो और गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह, तो ऑक्सीजन में वो गैसेस जब मिक्सअप होती हैं मतलब वो डिफ्यूज होती हैं तो वो जो है वो पूरा स्प्रेड हो जाती हैं, वो मिक्स हो जाती हैं। एयर में जो गैसेस हैं उनके साथ वो गैसेस मिक्स हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है कि गैस जो है वो कितनी ज़्यादा हैवी है या गैस लाइट है। अगर गैस हैवी होगी
तो डिफ्यूजन स्लो होगी, और अगर गैस लाइट वेट होगी तो डिफ्यूजन फास्ट होगी। नेक्स्ट इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है कि गैस के जो है गैस के मॉलिक्यूल्स टीनी होल्स में से बाहर निकल आते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टीनी होल्स, मतलब थोड़ी सी भी अगर जगह मिले तो गैस के मॉलिक्यूल्स फौरन बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल टायर पंक्चर, या फिर आप कह सकते हैं कि बैलून, बैलून में छोटा सा आप सुराख करते हैं तो उसमें से गैस फौरन